अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे किचन के मेकओवर की है। और देखिए, जो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर पहले ही दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरा किचन जो है वो मॉड्यूलर नहीं है, जब काम चल रहा था घर का तो कुछ सब तैयार हो गया था, बस फर्नीचर जो मॉड्यूलर किचन का रहता है वो कुछ बजट प्रॉब्लम के कारण रह गया था, तो अभी वो तैयार नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलिए अपन इसको ऐसे ही अरेंज कर देते हैं कर्टन वगैरह लगा के। और कुछ DIY मैंने बनाए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ मैंने किचन को ऑर्गेनाइज किया है, तो यही सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपको अपने जो मेरा किचन पहले था, ये देखिए वो क्लिपिंग बता रही हूँ कि इस तरह से था और मैंने इसको मेकओवर किया है। देखिए, सारा सामान ऐसे ही बिखरा रहता था और मैंने सबसे पहले तो सारे मतलब किचन के टाइल्स वगैरह की अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। ये देख ली कितना गंदा हो रहा था, तो इसको मैंने क्लीनर डाल के अच्छे से साफ कर लिया है। नीचे के फर्श भी बहुत अच्छे से मैंने क्लीन किए हैं। पूरी सफाई करने के बाद देखिए, इस तरह से आप जो नीचे किचन के साइड में जम जाती है ना दीवार वगैरह में, तो क्लीनर से वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और एकदम टाइल्स चमक उठते हैं। तो और जो भी मैंने जार वगैरह थे वो भी क्लीन कर लिए थे। अगर पूरी वीडियो में क्लीनिंग की बताती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने जार वगैरह और जो भी है उनको की क्लीनिंग, अगर आपको वो देखना है तो मैं दूसरी वीडियो में डाल दूँगी, शेयर कर दूँगी। देखिए, ये एक अलमीरा लाई थी मैं मल्टीपर्पज़ से, तो इसमें मैंने अपने बर्तनों को अरेंज किया है कुछ इस तरह से। और इसको मैंने वहीं सेल्फ के नीचे रख दिया है। और जो मैंने कर्टन्स तैयार किए हैं ये देखिए, तो मैं कर्टन्स के लिए यहाँ पर लोकल मार्केट से ही कपड़ा ले आई थी। मैंने अपने किचन के मेज़रमेंट के अनुसार कर्टन्स को तैयार कर लिया है काट के। देखिए इस तरह से, आप भी अपने किचन के मेज़रमेंट लेके तैयार कर सकते हैं। और देखिए, मेरे पर्दे तैयार हो गए थे, तो फिर मैंने क्या है, एक तार जो आता है ना हार्डवेयर वाले के, वहाँ मिल जाते हैं इस तरह के तार, तो वो तार से ये वाले पर्दे बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसका मेज़रमेंट ले लिया तार से, तार का, और कट करके कील वगैरह से ड्रिल कर लिया उसको। और फिर ये देखिए, मेरे पर्दे में भी तार को अरेंज करके इस तरह से यहाँ एक बीच में भी एक कील ठोक दी थी। और देखिए, कुछ इस तरह से पर्दों को लगा दिया है। यहाँ पर क्या है, तार बेस्ट रहता है इस तरह के पर्दे लगाने के लिए, ये अच्छे से खींच जाता है और टाइट रहता है, लूज़ लटकते नहीं हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और जो मेरा बिखरा हुआ दिखता था ना पूरा। और यहाँ पर मैंने वॉलपेपर्स ऑनलाइन मंगाए थे तो वही आए हैं। देखिए, 4 बंडल्स आए हैं और 2 चेक्स वाले हैं और 2 दूसरे डिज़ाइन के। तो मैंने अपने किचन का पहले मेज़रमेंट ले लिया है जहाँ जहाँ मुझे लगाना है, और वहाँ कुछ इस तरह से हमने वॉलपेपर को स्टिक करा है। वॉलपेपर चिपकाने का काम मैं पहली बार कर रही थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की भी हेल्प ली है। हम दोनों ने मिलके ही यहाँ पर वॉलपेपर पेस्ट किए हैं। देखिए, कुछ इस तरह से ये निकलता जाता है और बहुत इजीली लग जाता है। मैंने भी पहली बार ही यूज़ करा है और अच्छी क्वालिटी के आए हैं जो मैंने ये मंगाए थे वॉलपेपर्स, बहुत अच्छे निकले हैं। और देखिए, ये स्टिक होने के बाद इनका लुक कितना प्यारा आ रहा है पूरा।
और बस इसको ऐसे करते जाएंगे तो जो भी कभी बबल्स वगैरह आ जाते हैं ना अगर तो उसको थोड़ा सा निकाल के और फिर से इसको पेस्ट कर दो तो ये लग जाता है। ये देखिए, और इसको हाथों से और कपड़े से ऐसे अच्छे से पेस्ट कर दो इसके ऊपर, तो इसमें एक भी सेल नहीं रहता है। मैंने अपने पर्दों से मैचिंग ही वॉलपेपर्स मंगाए थे। देखिए, अब जो मेरे किचन की सेल्फ के ऊपर जो है टाइल्स के ऊपर की, तो उस जगह पर भी हम ये वॉलपेपर स्टिक कर रहे हैं। देखिए फाइनल लुक ये इसका, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने किचन के लिए कर सकते हैं, अगर आपका किचन भी मेरे किचन की तरह मॉड्यूलर नहीं है तो। ये देखिए एक DIY तैयार किया है। मेरे पास कुछ गिलास पड़े हुए थे पुराने और एक छोटा सा टाइल्स था, तो टाइल्स पे मैंने ये लेस लगा ली है ग्लू स्टिक से। क्या हुआ कि मैं जब करने बैठी तो मेरी ग्लू गन ख़राब हो गई, तो मैंने स्टिक को गैस पे ही गर्म करके और ग्लू स्टिक को और इस तरह से इस लेस को टाइल्स पे पेस्ट कर दिया है, चिपका लिया है। और ये देखिए ये, तो ये मेरा एक अच्छा सा सेल्फ बन गया है जार वगैरह रखने के लिए। तो आप भी कुछ इस तरह से अगर आपको आइडिया अच्छा लगता है तो आप भी अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये प्यारा सा मेरा DIY तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने ग्लासों पे कलर नहीं, पेंट नहीं किया है। अगर आप चाहो, आपके पास ये सब कुछ है तो आप पेंट करके भी रख सकते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रखा। और देखिए मेरी सेल्फ, प्यारी सी छोटी सी सेल्फ तैयार हो गई है। तो ये एक DIY तैयार हो गया है मेरा। अब ये देखिए मेरी फ्रिज, ये बहुत साल पुरानी थी तो हमने इसके ऊपर भी वॉलपेपर स्टिक किया है। यहाँ पर भी मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली है, हम दोनों ने मिलके ही इसको लगाया है। थोड़े से यहाँ पर बबल्स आ रहे थे, उस बबल्स को निकालना पड़ा। ये देखिए, और ये बहुत अच्छे से फ्रिज पे पेस्ट हो गया है। थोड़ा सा साइड से मैंने कट करके अलग से लगाया है क्योंकि मेरी फ्रिज का आगे का थोड़ा चौड़ाई में था। और ये देखिए जो उसका ट्रेडमार्क था ना, वो भी मैंने उसको पहले हटा लिया था, अब लगा दिया है। और ये चारों तरफ आ गया है वॉलपेपर, इसके अच्छे से स्टिक कर दिया। मेरी बरसों पुरानी फ्रिज एकदम नई हो गई है, तो आप भी इस तरह से कुछ नया लुक दे सकते हैं अपनी फ्रिज को और किचन को और खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि बार बार अपन महंगी चीज़ें तो चेन बदल नहीं सकते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन ऐसा कुछ करके उसको खूबसूरत अपने किचन को खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं। ये देखिए जहाँ वो इतनी पुरानी लगती थी, यहाँ बिल्कुल नया लुक दे रही है, वो बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए एक ये अलमीरा है मेरी सेल्फ, जिसमें मैंने कांच वगैरह क्रॉकरी के बर्तन रख रखे थे, तो ये इसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन करा है सफाई करके और इसको फिर से अरेंज कर दी है। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे क्लीनर से साफ़ किया है और फिर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये सेल्फ को अरेंज की है। ये देखिए, तो ऐसा कुछ छोटा छोटा चेंज करके आप भी अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए मैं अभी मार्केट गई थी तो मुझे ये जार देखिए बहुत पसंद आया। इनके इस जार के ढक्कन भी ग्लास कांच के ही बने हुए हैं और इनकी मतलब ये बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर हैं, तो आप इसमें नमकीन वगैरह अच्छे से रख सकते हैं। और मेरे को तो बहुत पसंद आई थी ये जार। अब अपने किचन को कुछ ग्रीन लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ प्लांटर भी लगाए हैं। देखिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट्स वगैरह रखना। और ये कुछ DIY हैं जो मैंने बना के लगा रखे हैं अपने किचन में। तो आप भी इस तरह से अपने किचन को छोटे मोटे और बिल्कुल कम बजट में एक बहुत अच्छा नया लुक दे सकते हैं। इस तरह से आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।